आज मैं ऐसे नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप एक से दो महीने स्टोर करके रख सकते हैं और जब कभी भी आपके पास नाश्ता बनाने का टाइम ना हो तो आप इसे नाश्ते में परोस सकते हैं और या फिर कभी मेहमान आ जाएं तो आप इसे चाय के साथ भी दे सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूँग की दाल ली है दाल हमें यहाँ पर छिलके वाली नहीं लेना है जो छिलके रहती दाल होती वो ही लेना है अब इस दाल को हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे तो भुनने के लिए मैंने गैस पर एक तवा रख लिया है और उसमें इस दाल को डाल लेंगे हमें इसे ऐसे ही भुनना है ड्राई रोस्ट करना है इसमें घी या ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है इस समय क्या होता है कि दाल में नमी आ जाती है तो भूनने से इसकी नमी चली जाएगी और जब हम इसे पीसेंगे या ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी तो हम इसे एक से दो मिनट के लिए ऐसे ही चलाते हुए भुनेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे हाई नहीं रखनी है ना ही ज़्यादा लो रखनी है एक से दो मिनट के लिए भुनना है हमें बस इसका जो मॉइस्चराइजर है वो चला जाए इसका कलर चेंज हमें नहीं करना बस थोड़ा सा ही भुनेंगे इससे ये अच्छे से फिस जाएगी तो दाल जो हमारी है वो भुन चुकी है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे यहाँ पर ठंडा होने देंगे जब ये ठंडी हो जाएगी तब इसे हम ग्राइंड करेंगे तो इसे ठंडी होने देते हैं अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिक्सी जार जो हमारी दाल ठंडी हो गई है इसे इसमें डाल देंगे सारी दाल एक साथ डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से हमें ग्राइंड करना है तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ और इसका एक अच्छा सा हमें आटा मिल जाएगा ये देखिए तो मैंने ग्राइंड कर लिया बहुत ही अच्छे से पिस के तैयार हुई है क्योंकि इसे हमने भून लिया था तो ये अच्छे से सूख गई थी अब एक बाउल लेंगे और इसमें इस आटे को हम दाल के आटे को ट्रांसफर कर लेंगे एक कटोरी दाल ली थी मैंने तो एक कटोरी हमें यहाँ पर गेहूँ का आटा लेना है अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे तो स्वाद अनुसार ले रही हूँ मैं नमक और थोड़ी सी हम यहाँ पर ले रहे हैं हल्दी एक चम्मच भर के लेंगे लाल मिर्च मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा और एक चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर जीरा इसे हाथों से क्रिश करके डालेंगे जीरे के साथ साथ आप अजवाइन भी डाल सकते हैं मैं सिर्फ यहाँ पर जीरा ही डाल रही हूँ अब यहाँ पर थोड़ी सी ले रही हूँ मैं कसूरी मेथी और थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पर काला नमक और एक चम्मच भर के ले रही हूँ चाट मसाला चाट मसाले से हमारा जो नाश्ता है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब मोइन के लिए मैंने यहाँ पर दो चम्मच भर के ओल लिया है अब इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करना है जो मसाले हमने इसमें मिलाए हैं डालें हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और जो मोइन के लिए ओल लिया था वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए जो गुटलियाँ जो लम्स हैं वो बिल्कुल एक सार हो जाए बस इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है तो देखिए सारा मिक्स हो गया है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक डो लगा लेंगे हमें इसका एक सख्त डो लगाना है रोटी से भी सख्त सख्त डो लगाने से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही अच्छा कुरकुरा बन के तैयार होगा तो लूज आटा बिल्कुल ना लगाएं सख्त आटा ही लगाएं तो देखिए मैंने ये आटा है लगा के तैयार कर लिया है अब इसे हम दस मिनट के लिए ढक कर रख देंगे इससे ये अच्छे से फूल जाए सेट हो जाए तो दस मिनट के लिए छोड़ देती हूँ अब दस मिनट हो गए थे तो हम हमारा आटा देख लेते हैं तो आटा हमारा सेट हो गया है अब इसे हम हाथों से बढ़िया से इसे मसल मसल कर चिकना बना लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ बस उसी तरीके से अब इसमें से छोटी सी लोई तोड़ेंगे बहुत छोटी तोड़ना है हमें मैं इस नाश्ते को आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी अभी मैं एक छोटी सी लोई तोड़ लेती हूँ और जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं बस वैसे ही हमको बना के तैयार करनी है देख सकते हैं मैंने छोटी सी लोई बना ली है अब यहाँ पर लूँगी मैं एक चकला बेलन इससे ऐसे हम बेल के तैयार करेंगे बहुत छोटी बेलना है ज़्यादा बड़ी नहीं बिलेंगी जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ उस उसी तरीके से बेल ली जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं बस वैसे ही इसे हमें बेल के तैयार करना है थोड़ी नेक पतली बेलेंगे पूड़ियों से तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर बेल लिया है आप चाहे तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं इसे या फिर मैं एक छोटे गिलास से इसे कट कर रही हूँ जिससे इसका सेब बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा तो आप कट करके भी इसे बना सकते हैं अगर ऐसे कट करके बनाएंगे तो हमारा जो नाश्ता है बस सारा का सारा एक साइज का बनेगा तो देखिए मैंने कट कर लिया है अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका भी बता देती हूँ दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे एक बड़ी सी लोई लेंगे खूब बड़ी वाली लोई लेना है हमको और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार करेंगे इसकी हम जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना बस वैसे ही बेल का इसे तैयार करना है तो देखिए मैंने इसे बेल के तैयार कर ली अब किसी भी बर्तन को ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए या छोटा वाला गिलास या फिर आपके पास जो कुकीज़ कटर होता है वो ले लीजिए उससे इस तरीके से हम कट कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है अब बचे हुए भाग को हम इस तरीके से उठा लेंगे और इनको यहीं छोड़ देंगे इस आटे को हम वापस जो लोई बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए मैंने बना के तैयार कर लिए हैं इस तरीके से तो सारा नाश्ता हमारा एक साइज के बन के तैयार होगा अब यहाँ पर मैं एक चाकू ले रही हूँ और इससे इनमें छोटे छोटे हमें होल करना है जिससे ये फूलेंगी नहीं मैं यहाँ पर चाकू से कर रही हूँ आप चाहें तो जो कांटे वाली चम्मच होती है उससे भी कर सकते हैं इधर मैंने गैस पर ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए अब उसमें जो नाश्ता हमने बना कर रखा है उसे एक एक करके इस पैन में हम डाल देंगे और ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं किया और ना ही ज़्यादा ठंडा हमें बिल्कुल मीडियम लो पर रखना है इसे हाई फ्लेम नहीं करेंगे और ना ही लो करेंगे इस तरीके से आलट पलट कर इसे फ्राई करेंगे बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक से दो मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा और बहुत ही कुरकुरा बन तैयार होता है इस नाश्ते को आप एक बार बना लीजिए और एक से दो महीने के लिए आप स्टोर करके भी रख सकते हैं जैसे हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता और अचानक मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए चाय के साथ आप दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है तो देखिए मैंने आपको पास से भी दिखा दिया कितना अच्छे से फ्राई हुआ है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन लग रही है तो इसी तरीके से मैं सारा नाश्ता फ्राई कर लूँगी तो मैंने देखिए सारा नाश्ता फ्राई कर लिया है बहुत ही सुंदर सा बन के तैयार हुआ है मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कितना खस्ता और कुरकुरा है इस ऐसे नाश्ते को आप चाय के साथ खा सकते हैं या छोटी मोटी भूख को आप तब भी इसे खा सकते हैं या फिर सफर पर जा रहे हैं तो आप इसे बना के लेकर जा सकते हैं सफर पर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे से बना कर तैयार किया है और मूंग दाल भी बहुत ही हेल्दी होती है तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें